सबसे पहले श्री राजकुमार शर्मा आरक्षक को मैं आमंत्रित करती हूँ आज की प्रतियोगिता के लिए। मेरी कविता का सारांश है सर, जब लोग ये दुनिया छोड़कर अलविदा कहते हैं या मौत आती है तो वो सब सगे संबंधियों से अपने दिल की बात कह जाते हैं, लेकिन एक सैनिक ऐसा होता है जब सरहद पर वो घायल होता है और उसे ये लगता है कि मेरा घर जाना नामुमकिन है, तो एक खत के रूप में, कविता के रूप में एक खत लिखता है, वो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो सबसे पहले माँ को लिखता है कि माँ तेरा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, देख मेरी वीरता को शस्त्र भी कायल हुआ है, खून की होली से लथपथ रेड एंड व्हाइट दिख रहा हूँ, माँ उसी सरहद से तुमको खत अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण बहुत, युद्ध था भीषण बहुत, न मैं एक कदम पीछे हटा हूँ, माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं, सोच मत मां मैं चिर नींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं शहीद नहीं हूंगा तो किसी मां की गोद में दोबारा बेटा बनकर नहीं खेलूंगा। युद्ध में जिस तरह से मैं सजदा हुआ हूं, शत्रु भी कह रहे हैं शेरनी की कोख से पैदा हुआ। उसके बाद वो पिता को लिखता है कि हे पिता, बचपन में पहले बहुत दुख दे चुका हूं, बैठकर कंधों पर आसमां सर ले चुका हूं, तुम कहते न थे कि ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन मेरे सबको लेके शमशान चलना पड़ेगा, हे पिता मैं भार अपना तनक कम भी कर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया। हरदम हिंदू संस्कृति में ऐसा होता है कि पुत्र पिता की अर्थी को कंधा देता है, लेकिन कुछ बदकिस्मत बाप ऐसे भी होते हैं जो अपनी बेटी को कंधा देते हैं। वो अंत में पिता को लिखता है कि हे पिता, एक और दुख खाए जा रहा है, आज भी बेटा तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। उसके बाद वो भाई को लिखता है, और हमारे ग्रामीण अंचल में बोलते हैं ये भाई नहीं, ये तो मेरी बाई भुजा है, आधी ताकत बोलते हैं भाई को। तो वो भाई को लिखता है कि सुन अनुज, रणबीर गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरे छोटे अनुज मुझको तेरी याद आई, अब लौट कर आऊंगा विश्वास दिला सकता नहीं हूं, लौट कर आऊंगा विश्वास दिला सकता नहीं हूं, अब तुझे बाहों से झूला झूला सकता नहीं हूं, बस तू छोटी बहन का मान रखना, जब पड़े इसको जरूरत इसका तू सम्मान करना, मुझे पता है कि भैया द्योज जब जब आएगी और बहना भैया द्योज की थाली सजाएगी तो उसको मेरी बहुत याद आएगी, तो उससे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा, बहन को समझा देना मैं शहीद हो रहा हूं, दिखाई नहीं दूंगा लेकिन रक्षाबंधन के दिन आशीर्वाद जरूर दूंगा। अंत में वो पत्नी को लिखता है, और मेरी ऐसी मान्यता है कि ये सारे रिश्ते धीरे धीरे अपने अपने कार्य में भूल जाते होंगे, लेकिन एक पत्नी ऐसी होती है जो अंतिम सांस तक अपने पति को, उसकी कमी को महसूस करती है। अंत में वो पत्नी को लिखता है कि अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है देना कठिन निठुर हृदय हो मांगता हूं, तुम अमर सौभाग्य की माँ थे सदा विधियां सजाना, हाथों में चूड़ी और पांवों में मेहंदी रचाना, क्योंकि तुम नहीं विधवा तुम सत्य पद की साधिका हो, मेरे अमर बलिदान की तुम ही जीवित भूमिका हो, मैं तो अमर होने जा रहा हूं तुम विधवा किस बात की, और जब तक तुम जिंदी रहोगी जब तक ये देश मेरे बलिदान को याद रखेगा, तुम ही जीवित भूमिका हो, जानता हूं बच्चों के सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वो उलझित होंगे, पूछते होंगे कि पापा हैं कहां कब आएंगे और हमको लेके घूमने कब जाएंगे, जाने पापा छोड़कर हमको कहां बैठे हुए हैं, क्या उनको पता है उनके बच्चे उनसे रूठे हुए हैं, तो उनको समझाना कि बच्चे जिद पर जाते नहीं हैं, और जिनके बच्चे जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं, जिनके बच्चे जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, अकेली हो अकेली हो धैर्य को खोने न देना, दुख से दुखे हृदय पर आंख को रोने न देना, कि एक और अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूं, जय हिंद जय भारत।